अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको आज दिखाना चाह रही थी कि मेरे खदीजा मेरी बेटी के रूम के साथ एक बहुत अच्छी सी स्पेस है जो कि जिस जो मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पे वॉक इन क्लोज़ेट भी उसकी थी और जिम भी था और साथ में अगर आप देखें तो एक मेकअप स्टेशन भी है जो कि अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना मेकअप उस पर सेट करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से मैं अपनी चीजों को कोशिश करती हूँ ऑर्गेनाइज्ड रहे। आप भी ट्राई कीजिए। मैं आज आपको एक्चुअली इस वीडियो को बनाने की दो रीजंस हैं। एक तो मैंने सोचा था कि आपको मेकअप जो मैंने यहाँ पे सेट किया है वो दिखा दूँ और दिखाऊँ कि किस तरह से मैं रखती हूँ। दूसरी बात ये थी कि ये जो रूम है ये अब हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूम है। पहले भी इम्पॉर्टेंट था लेकिन मेरी अम्मी ने इसको स्पेशली बनवाया था। उनको पेटियाँ रखने का अपनी जहेज वाली और सारी बहुत शौक था जिसमें बिस्तरे होते थे सब कुछ जैसे कि हमारी सब अम्मियों को था। मेरी अम्मी बहुत चीज़ें संभाल के और सलीके से रखती थी तो ये उनका एक रूम था जहाँ अम्मी की फिक्स ये देखें एक अम्मी की पेटी के साइज वाला पोर्शन था। इसमें उनकी जगह थी और उनकी सारा जो सूट केसेस और सब चीज़ें थी वो इस रूम में होती थी। ये काफ़ी स्पेशियस रूम है। जब कभी मैं आपको होम टूर दूंगी तो मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए तो इसको ये फ्लोरिंग वगैरह चेंज करके और सब कुछ इस रूम को हमने कन्वर्ट कर लिया जिम में और मेकअप स्टेशन में। तो ये पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको मेकअप वगैरह रखने का बताऊंगी कि मैं कैसे रखती हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि आपका एक रूम जो बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है या आपने उसको स्टोर रूम बनाया हुआ है या किसी पर्पस में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव होके उसको सोच के कुछ और भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके घर में से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जो आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अब इसका बताती हूँ। बात है कि मुझे बास्केट्स तो बहुत ज्यादा आपने देखी भी होंगी मेरे घर में मैंने रखी भी होती हैं। तो ये डिफरेंट बास्केट्स में जो चीजें हैं ना वो आपकी अलग पार्ट में रहती हैं और वो ठीक भी साफ भी रहती हैं। इन सब बास्केट्स में ये क्लॉथ लगा हुआ है और अगर कभी ये गंदा हो जाए तो ये आराम से निकल के धुल भी जाता है। इसमें मेरी पेंसिल्स हैं सब और इसमें है फाउंडेशंस और बाकी जो मेकअप स्टिक रखने के लिए और चीजें और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर वो सब कुछ है जो जो एज बेस में यूज करती हूँ इस बास्केट में है। देन ये जो जो एक आप लोग पूछे थे ना खुशबू आने वाला और उसमें एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि जो आप प्रोडक्ट्स यूज करें अगर वो आप एक ही कंपनी की यूज करें लाइक शावर जेल मिस्ट और क्रीम्स वगैरह तो आप में से एक ही स्मेल बहुत अच्छी आएगी जो बहुत देर तक रहेगी भी। उसके बाद ये मेरी एक मेन बास्केट है जो मैंने सामने ही रखी हुई है। इसके अंदर मेरे सारे मेकअप पैलेट्स ब्लश ऑन और वो सब कुछ है और ये वो चीजें हैं जो आप लोग अक्सर देखते हैं मुझे यूज करते हुए। तो ये सारे वो हैं इसमें हाइलाइटर्स मेरे और सब कुछ काफ़ी कुछ वो पड़ा हुआ है जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। और ये मेरी लिपस्टिक्स की बास्केट है और ये परफ्यूम्स का पोर्शन है और इसमें भी जो एक जो मैं आपको बता रही थी ये मेरे जो वही एक सेट है जिसमें शावर जेल डिओड्रेंट और परफ्यूम एक है ये बर्बरी का है और इसमें भी ये आपको नॉर्मली वो मिलते हैं पूरे के पूरे पैक्स आप वो ले सकते हैं और उसमें एक ही पूरा सब चीजें होती हैं। ये स्किन केयर और उस सब का एरिया और ये भी फिर बास्केट में ही है।
उसके अलावा जो छोटे छोटी चीजें हैं जिस तरह शॉर्पनर, लिप बाम, छोटे वाले पैलेट्स, आई लाइनर्स और ये सब कुछ, इसके लिए ये 3 स्टैंड वाला आइकिया का मैंने लिया हुआ है। इसमें आप अपनी सारी छोटी चीजें डाल सकते हैं। कॉटन रोल्स और कॉटन पैड्स के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता, हर चीज में यूज होता है, तो उसके लिए ये है, ये भी आइकिया का ही है। फिर मैंने अपनी छोटी क्लिप्स और सब कुछ इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये सबको पता है कि आपने जब अगर मैं कहीं दो दो उतार दूं तो जो मेरे घर में जो हेल्प है वो आराम से इसमें ला के रख देती हैं। ड्रॉर्स भी मैंने आपको दिखाई थी या नहीं है, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ड्रॉर्स में भी मैंने कोई चीज़ भी वैसे ही नहीं रखती, बास्केट्स में ही रखती हूँ। तो ये ब्रशेज मेरे यहाँ पर हैं सब। फिर जो आपके हेयर ड्रायर जो सब कुछ, ये अगेन आइकिया का है, ऑर्गेनाइजर, ये सब कुछ इसमें है और ब्रशेज और सब कुछ वो भी इसमें है। इसमें से कुछ हेल्प मिले और कुछ आपके लिए यूजफुल हो। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मिक्स्ड चीज़ें ना रखें, पेंसिल्स और लिपस्टिक सब इकट्ठे जमघटे में ना हो तो बेहतर है। इवन वो जो ग्लास में रखती हैं सब पेंसिल्स, वो भी ना रखें क्योंकि वो आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो बेहतर है कि आप बास्केट में स्ट्रेट उसमें रखें तो वो आपके सामने रहेगा। और जो पैलेट्स और वो और ब्रश ऑन और वो सब कुछ, जितना आप लोग ऑर्गेनाइज होंगे उतना आपको ही आराम होगा। तो मैं टिपिकल सा वही मेकअप करती हूँ जो मैं रोज करती हूँ, तो वो, लेकिन मेरी चीजें मिसप्लेस इसलिए नहीं होती कि वो मुझे ऑटोमेटिकली हाथ वहीं चला जाता और वहीं पे वो चीजें मैं रख देती हूँ। तो आई होप वो सारी बच्चियाँ जो मेरे साथ कनेक्ट करती हैं और उनको उनका और उनको समझ आती है, उनका और मेरा कुछ रखने का स्टाइल अब एक जैसा हो गया है, तो उनको आज भी हेल्प मिलेगी। जी, मेरी एक और ट्रॉली है जो कि बहुत यूजफुल है और ये मेरे पास बहुत पुरानी, बहुत पहले से बनी हुई है। इसमें मैंने अपने विटामिन्स, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है, और अक्सर मैं अगर लाउंज में बैठे बैठे मेकअप करना चाहूँ तो मैं ये बास्केट इस पर रख के इसको उधर ले जाती हूँ, वहाँ पे मैं मेकअप कर सकती हूँ आराम से। उसके अलावा बेड साइड पे मैंने इसको रखा होता है, इसमें पानी सुबह को जो मैं लेती हूँ, पानी और कोई चीज़ लेने के लिए नट्स वगैरह के जार्स और कोई भी चीज़ जो आपकी पर्सनल आप यूज़ कर सकते, करना चाहते हो और आप साइड टेबल पे ना रखते हो, वो भी आप इस ट्रॉली पे रख सकते हैं। चाय और खाना फॉर सिंगल पर्सन तो आप सर्व कर ही सकते हैं, लेकिन यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू कैन बी फॉर दिस ट्रॉली ऑल्सो। एक और दिन था, एक और मेरी कोशिश थी, एक और मेरे तजुर्बात थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी और मैंने शेयर किए। ये सब जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे, मेरे जमाने में बहुत इंटरनेट और ये सब फैसिलिटीज नहीं थी।
अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अवेलेबल है और हम और आप एक दूसरे से अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और हमेशा यही ठीक होगा। ये सिर्फ एक हेल्प है कि मैं ऐसे करती हूँ और आप भी करके देखें, शायद आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो। और मैंने जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रोज, उसमें ऑफ कोर्स आप लोगों को नजर आता है कि मैं एफर्ट कर रही होती हूँ उसके लिए। और वो सब कुछ पहुंचाने का या आप लोगों से बात करने का या मेरा चैनल शुरू करने का मेन रीजन ये है कि पॉजिटिविटी मेरी तरफ से आप तक जाए और आप लोग भी उसी तरह से मेरी इस एफर्ट को रिसीव करें जिस प्यार से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।